जय हिंद दोस्तों। हम लोग पहले पढ़े थे रियल नंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीनोमल्स यानी बहुपद। बहुपद में ज़रा देखते हैं कि बहुपद के एक्स के पदों में जिस बीजीय व्यंजक को हम लिखते हैं जोड़ या घटाव के साथ और घात के रूप में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। समझ रहे हैं? एक्स के पदों में जिस बीजीय व्यंजक को जोड़ या घटाव के साथ लिखेंगे उसके ऊपर घात रहेगा या नन घात वाला भी होता है। सीधे समझिए कि एक्स जोड़ या घटाव के साथ लिखते हैं उसे ही हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद के वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमल्स। पॉली पॉली का मतलब ही होता है, ये समझिए, पॉली लिखिए, पॉली का मतलब होता है मेनी मेनी। अब मेनी का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि अनेक, तो वही हुआ पॉलीनोमल्स। पॉली पद के आधार पर यदि हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो एक पदी बहुपद होगा। एक पदी माने मोनो नॉमल्स, मोनो का मतलब होता है वन। द्विपदी माने बाई नॉमल्स, माइनोमल पोलिनोमल्स का मतलब हुआ बाई माने दो। इसके बाद त्रिपदी बहुपद, ट्राई नॉमल, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब थ्री होता है। घात के आधार पर बहुपद, एक घातीय बहुपद होता है, घात के आधार पर बहुपद, एक घातीय बहुपद होता है, द्वि घातीय बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद और शून्य बहुपद। एक घातीय बहुपद जिसका एक घात हो, द्विघातीय बहुपद जिसका एक, अब एक घातीय बहुपद का उदाहरण क्या होगा जरा वो देख लेते हैं। घात के आधार, अब एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद को अगर हम लोग एक घातीय बहुपद देख रहे हैं, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद जिसको हम लोग एक्स प्लस वन लिख दी, ये हो गया एक घातीय बहुपद। ऐसा टाइप का बहुपद रहेगा तो एक घातीय, या दूसरा लिखेंगे हम लोग थ्री वाई माइनस टू, ये हो गया घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद हो गया। पद के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे लिखेंगे पद के आधार पर मतलब बहुपद के उदाहरण देखेंगे तो टू एक्स लिख दिए, एक एक बहुपद वाला हो गया। इसी को लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, टू एक्स, ये हो गया द्विघात द्विपदी बहुपद। अब पद के आधार पर देख रहे हैं त्रिपदी में हो गया थ्री एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस प्लस फोर एक्स प्लस टू, ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात त्रि तीन गो पद वाला, ठीक है ना, घात मत इसमें लिखिए, ये हो गया तीन पद त्रिपदी बहुपद। अगर हम लोग घात के आधार पर यदि देखते हैं तो घात के आधार पर एक घातीय बहुपद निडियर पॉलीनोमल्स, निडियर माने होता है एक घातीय, सरल समझिए या एक घातीय। द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक बहुपद यानी जिसको दो घात हो। अब एक घातीय बहुपद जरा देख देते हैं, जैसे लिखे थे यहाँ पर एक घातीय बहुपद, इस बहुपद को जरा देख लेते हैं। इस बहुपद में क्या होता है, ये बहुपद को अगर हम लोग को लिखना है तो वेरी सिंपल है, ऐसे करें एक्स प्लस वन लिखें, इसका व्यापक रूप भी बताएंगे। अब द्विघातीय बहुपद हो गया तो द्विघातीय बहुपद को यदि हम लोग को लिखना है तो उसमें ये द्विघातीय बहुपद ऐसे होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स छः एक्स या माइनस आठ एक्स लिखिए प्लस छः, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग को द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ट्राइनोमल्स, जिस बहुपद को हम लोग जिसमें तीन घात हो, क्यूबिक सॉरी ट्राइनोमल्स कहा गया त्रिघातीय बहुपद को, क्यूबिक पॉलीनोमल्स, क्यूबिक पॉलीनोमल्स को यदि हम लोग को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो क्यूबिक पॉलीनोमल्स के उदाहरण है, लिख लीजिए थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये हो गया देखिए त्रिघातीय, तीन घात है तो हो गया त्रिघातीय बहुपद। यहाँ तीन घात माने x के तीन, x के जो पहला टर्न होता है पॉलीनोमल्स का, पहला टर्न पर तीन क्यूब लगल हो, पॉलीनोमल्स का पहला पद पर टर्न पर अगर एक्स स्क्वायर लगल हो तो द्विघातीय। अब हो गया शून्य बहुपद, जिस बहुपद के गुणांक, जिस बहुपद के गुणांक शून्य हो उसे हम लोग शून्य घात शून्य बहुपद कहते हैं या जीरो बहु पॉलीनोमल्स। ये भी हम लोग द्विघात द्विघात सॉरी एक घातीय बहुपद को हम लोग लिख देते हैं, एक घातीय बहुपद ऐसे हो जाएगा द्विघातीय बहुपद टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस छः लिख लेंगे। त्रिघातीय बहुपद को यदि हम लोग को लिखना है तो थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, जो इस टाइप से लिखाएगा त्रिघातीय बहुपद। फिर इसका शून्यक निकालना, मूल बात है दसवीं में कि द्विघात बहुपद का शून्यक और त्रिघाती बहुपद का, द्विघात बहुपद का अधिकतर बिहार बोर्ड पूछते हैं तो हम लोग द्विघात। अब शून्य बहुपद हो गया जीरो बहुपद, जिस बहुपद के गुणांक शून्य हो,
अब देखिए इस बहुपद के गुणांक कितना है, दो है, एक्स के गुणांक कितना है, दो है। इस बहुपद के भी एक्स के गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक दो है, एक्स के गुणांक आठ है, इसमें एक्स एक्स क्यूब के गुणांक तीन है, इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक दो है, इसमें एक्स के गुणांक छ है। अब इसमें ज़रा देख लेते हैं हम लोग, शून्य बहुपद माने जीरो पॉलीनोमर्स, जीरो पॉलीनोमर्स का मतलब हो गया जैसे हम लोग लिखे शून्य है, अब ये पॉइंट जो दिए गुणा का है, ये पॉइंट किसका है, गुणा का है। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, ठीक है ना, फिर लिखेंगे हम लोग जीरो प्लस सिक्स एक्स। जरा ये देखिए, ये जो लिखे हैं ना, ये जीरो इंटू का चिन्ह है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू सिक्स एक्स, यही हो गया शून्य बहुपद। यानी कि गुणांक कितना है, शून्य है, यहाँ भी गुणांक कितना है, शून्य है। इसी बहुपद को हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, इस बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। अब चलते हैं भाई कि पॉलीनोमल्स का पहला जो पार्ट, एक पदी बहुपद समझ गए, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, माने इन सबको समझना है, केवल आपके दसवीं में इन पर सवाल नहीं बनाना, बनाना ही सवाल आपको इस पर इस पर इस पर, माने एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, शून्य बहुपद पर भी सवाल नहीं बनाना आपको, बनाना इसी पर सवाल पूछता है ज़्यादा, और द्विघातीय बहुपद पर जो अधिकतर बिहार बोर्ड आप लोग से पूछते हैं। तो वे बहुपद को हम लोग देख लेते हैं भाई, ये बहुपद होता कैसा है, इन बहुपद को अब फिर हम लोग इसको शून्य निकालेंगे, फिर सारे चीज़ निकाल के हम लोग देखेंगे कि भाई ये बहुपद होता कैसा है। तो ये समझ गए, अब हम लोग देखते हैं इन बहुपद के शून्य। देखिए बहुपद का शून्य अल्फा और बीटा होता है। अब बहुपद के एक घाती, घात के आधार पर जो पढ़े थे हम लोग, घात के आधार पर, घात के आधार पर उसमें पहला जो था एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, इस बहुपद के व्यापक रूप देख लेते हैं हम लोग, व्यापक रूप क्या होता है, घातीय बहुपद के व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब तो विस्तार रूप, तो इसको हम लोग व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। अब देखो जहाँ कॉमा दीजिए, जहाँ ए और बी पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है, या तो यहाँ रहेगा जैसे 2x माइनस 4 रहेगा, तो देखिए 2 जो है ये a है, तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, माने पूर्णांक तीन टाइप का होता है, तो 0 होता है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तो देखिए ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ये पूर्णांक के आधार पर हम लोग पूर्णांक एक चैप्टर पढ़ाएँ का वीडियो क्लास लेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे, तो यूट्यूब से जो देखते हैं क्लास जिन बच्चे ने वे बच्चे समझ जाएँ। तो ये हो गया घात। अब देखो ए और बी के जगह है, इस आधार पर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद तो पढ़ेंगे जिस बहुपद के दो घात हो, एक्स के पहला टर्म में दो घात हो, स्क्वायर लगल हो, तो इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो ए बी सी, ए बी एवं सी, ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा, कोई संख्या होगा, ये पूर्णांक होगा। जरा ये देख लेते हैं, ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब हो गया कि बहुपद के शून्य क्या होता है, इस बहुपद के भी शून्य को देख लेते हैं, इस बहुपद के शून्य को हम लोग देख लेते हैं, सभी बहुपद के शून्य को देखते हैं। अब देखो बहुपद के शून्य,
शून्य हुआ अल्फे और बीटा का है, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते कि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक होते हैं। अब जरा देख लेते हैं, ये है ए एक्स प्लस बी के शून्यक एक होते हैं, बहुपद के शून्यक ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, बीटा, ठीक है ना। इसके भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा, ये इसके शून्य होते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य, अब इस शून्य का निकालना सीखेंगे, फिर शून्य का योग सीखेंगे, ये समझिए अल्फा और बीटा होता है। अब देख लेते हैं कि इसके आधार पर कैसे शून्य को हम लोग निकालते हैं। देखिए शून्य अल्फा और बीटा कैसे हो, इसके लिए हम बोले कि अगली एक क्लास बना देंगे, उसमें बता देंगे कि अल्फा और बीटा कैसे हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर तोड़ के अल्फा और बीटा को बैठा के देखेंगे कि अल्फा और बीटा क्यों होते हैं। अब देखो, अब अल्फा और बीटा होता है, शून्य का एक होता है शून्य, ये जरा देख लेते, एक घातीय बहुपद के शून्य का शून्य। अब इसके योगफल देखेंगे, योगफल का मतलब होता है जोड़, जोड़ देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बाय ए, बस यही हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाय ए, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर एक घातीय बहुपद के शून्य, तो एगो बात, लंबा क्लास हो जाएगा इसलिए इस क्लास को यहीं पर एडॉप्ट करते हैं। अगले क्लास में हम बताएंगे कि अल्फा और बीटा ये सारे बातें क्या होते हैं, इस पर अगले क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर सवाल बताना पड़ेगा, इधर उधर सारी चीज़ बताना पड़ेगा, इसलिए इस पर हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अगले क्लास कल अपलोड हो जाएगा।